नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान आज सीतापुर जेल से बाहर आ गए। 24 महीने से जेल में बंद आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मंजूर होने के बाद कल ही रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान की रिहाई के लिए सीतापुर कारागार प्रशासन को पत्र भेज दिया था। वहीं दूसरी ओर आजम खान के रिहाई के दौरान सीतापुर जेल से बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आजम खान सीतापुर से सीधे रामपुर जाएंगे। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, काफी समय से जेल में बंद थे आजम खान और अब आखिरकार उन्हें रिहाई मिल गई है और अब माना जा रहा है कि वो सीधा रामपुर जाएंगे जेल से निकल के, क्या कुछ जानकारी है? जी शिखा, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के ऊपर धोखाधड़ी के मामले में उन्हें जेल में रखा गया था। आपको बताया कि 27 महीने उन्होंने जेल में बिताए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक जमानत दी है और सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक जमानत मंजूर होने के बाद आज सुबह सूर्योदय के समय रामपुर जो सीतापुर जेल है वहां से उनकी रिहाई हुई है। इस दौरान आपको बताया कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव समेत उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन का आपको पत्र एवं परवाना भेजा गया था। दूसरी ओर आजम की रिहाई के बाद जो सीतापुर जेल था उसपे सुरक्षा के सभी व्यवस्था कर दिए गए थे, कड़ी व्यवस्था कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आजम खान सबसे पहले सीतापुर स्थित अपने एक कार्यकर्ता के घर जाएंगे जो अनूप गुप्ता है, वो की जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है, उनसे मिलकर और वो सीधे रामपुर के लिए रुख करेंगे। वहीं आपको बताएं कि आजम खान की रिहाई पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हम लोग समाजवादी हैं और मुलायम सिंह ने हमें सिखाया कि हम सुख दुख के साथ दें। वहीं आपको बताएं कि उनसे पूछने पर कहा गया कि क्या अखिलेश से आजम मिलेंगे, तो बसपा प्रमुख ने कहा कि ये सवाल आप अखिलेश से पूछिए जी। वहीं आपको बताएं कि सुबह इनको रिसीव करने जो स्थानीय नेता थे, साथ ही साथ शिवपाल यादव की अगुवाई में तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और बसपा के नेता थे। वहीं आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अंशु मलिक सीतापुर जेल पहुंचे थे। वहीं आपको बताएं कि बिलावी के सपा विधायक फहीम भी अब्दुल्ला आजम की रिहाई के वक्त सुबह मौजूद थे। और वहीं आपको बताएं कि अब्दुल्ला आजम ने कहा कि और ट्वीट के माध्यम से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, तो कहीं ना कहीं उनको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उससे विश्वास है उनका जगह, जिसको लेकर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। वहीं अखिलेश यादव भी उनकी स्वागत में ट्वीट कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस पी आर गंगवी और जस्टिस एस ए बोपन्ना की पीठ ने संविधान अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए खान को जमानत दी है और कोर्ट ने कहा है कि आदेश नियमित याचिका पर फैसला करने तक वे अंतरिम जमानत पर रहेंगे और 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने के बाद अब मामले पर आज दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की गुरुवार की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी। बनारस की चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी। इसके साथ शीर्ष कोर्ट ने वाराणसी की निचली कोर्ट को निर्देश दिया कि तब तक वाराणसी की सिविल अदालत इस मामले में कोई आदेश न दे। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने पहले गोवर्धन पहुंचकर गिरिराज भगवान की पूजा अर्चना की, जिसके बाद पत्रकारों से रूबरू होने के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जो भी न्यायालय निर्णय लेगा वही मान्य होगा और सरकार की अपनी ओर से पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था बनी रहे और उसको किसी भी कीमत पर बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।
लोगों के घरों में खुशहाली और सबको स्वस्थ रहने के लिए उत्तर प्रदेश के बहुत तेजी के साथ विकास के लिए हमने प्रार्थना किया है और प्रभु आशीर्वाद देकर के उत्तर प्रदेश को तेजी से के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। माननीय न्यायालय निर्णय देगा, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। सरकार का रोल ये है कि हम ठीक से मामले की पैरवी करेंगे और कहीं कोई शांति व्यवस्था के लिए गड़बड़ी न हो, उस काम भी ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि कहीं कोई भी व्यक्ति कानून की महासचिव प्रतिमा सिंह ने उदयपुर में कांग्रेस के संकल्प शिविर से लौटने के बाद मीडिया से बात की और कहा कि जिस प्रकार 80 वर्ष पहले 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, ठीक उसी तरह उदयपुर के नव संकल्प शिविर में भारत जोड़ो का नारा दिया गया है। साथ ही पार्टी का मजबूती देने के लिए शीर्ष नेताओं से मिले दिशा निर्देश के विषय में प्रतिमा सिंह ने बताया कि कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है, जबकि संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस के निर्णायक भूमिका निभाते हुए इस कैंप में व्यापक विचार मंथन हुआ। पिछले दिनों मैंने उदयपुर में जो आत्ममंथन शिविर नव संकल्प शिविर का आयोजन हुआ उसमें सहभागिता की और मुझे लगा कि मैं उसको आपको आपके साथ साझा करूं, उन अनुभवों को साझा करने के लिए और कांग्रेस की जो जो गाइडलाइन बनी है उसको आपके बीच में शेयर करने के लिए आपके बीच में आऊँ, इसलिए ये पत्रकार मैंने आपको बताया। क्या पार्टी लोगों के बीच में जाके हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोगों के बीच में संपर्क संवाद के माध्यम से लोगों के बीच में जाएगी, पहले भी जाती रही है, अब हम और ज़्यादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर में सरकारी विभाग के कर्मचारी खुलकर रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला तहसील सियाना के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां तैनात डॉक्टर इरशाद अस्पताल में आने वाले मरीजों को प्राइवेट मेडिकल स्टोर की दवाइयों का पर्चा बनाकर थमा देते हैं, जिसकी एवज में डॉक्टर दवा कंपनी के एमआर से अपने अकाउंट में 5,000 का ट्रांजैक्शन तक करवा लेते हैं। डॉक्टर इरशाद चौधरी आरपीएस के स्कीम में है, उसमें मामला तो पुराना है, 2020 का जो ऑडियो लग रहा है, इसकी जांच कराएंगे, अगर ये बात सही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी इस समय जो है बिल्कुल सबको सख्ती से कह रखा है कि कोई दवाई बाहर की ना की जाए, जो हमारे अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध हैं उन्हीं सबसे मरीजों को जो है लाभ पहुँचाने का पूरा प्रयास। खबर मैनपुरी से है, जहां बेवर थाना क्षेत्र के नवीगंज में ओवरब्रिज के ऊपर कानपुर से दिल्ली जा रही आजाद नगर डिपो की बस और ट्रक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस सवार कई यात्री घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर ही चीख पुकार मच गई। वहीं चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बान खान मोहल्ले में शादी के महज एक बाद पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जबकि आरोपी पति ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब पत्नी बाजार से घर जा रही थी। वहीं इस मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी युवक ने लव मैरिज की थी, जिससे उसके परिवार वाले नाराज थे और आरोपी पति पत्नी से दहेज की मांग करता था, जबकि इस मामले पर एसपी सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि महिला दूध लेने बाजार गई थी और बाजार से वापस आते समय घात लगाए बैठे पति ने पत्नी की हत्या कर दी। थाना प्रेमनगर पर एक सूचना मिली,
सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर गई तो पाया कि मोहल्ला बानखाना में एक व्यक्ति जिसका नाम विकास सक्सेना है उसके द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। उस हमले के बाद वो व्यक्ति जो है मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद जो महिला हैं उनके भाई के द्वारा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार के बाद उसे जो है रेफर कर दिया गया। रेफर करने के बाद में जो महिला जिला अस्पताल में आई, जिला अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा उन्हें योगी सरकार की गौ संरक्षण की मुहिम को जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। जहां गहरे नाले में गाय फंसी रही लेकिन घंटों तक कोई अधिकारी सुध लेने नहीं आया, लेकिन जब मामले की सूचना हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को मिली तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को गाय को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी दी। मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला। बता दें कि अंगूरी बाग मोहल्ले के विपिन गार्डन के सामने का ये मामला बताया जा रहा है। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के नवीगंज कस्बे की एक युवती और युवक में शादी को लेकर कुछ अनबन चल रही थी और लड़के के घर वाले दोनों की शादी से खुश नहीं थे, जिसके बाद युवती ने बीते 12 मई को फांसी लगा ली और परिजनों ने लड़की के शव को दफन कर दिया। जबकि युवती के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ लड़के के परिजनों ने कुछ किया है जिससे उसका शरीर नीला पड़ गया है और उसे जल्दी दफना दिया गया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों की शिकायत पर युवती के शव को कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जब खबर मिली है 8 बजे फोन आया कि निशा का इंतकाल हो गया, तो मैंने पूछा भी क्या हुआ तो किसी ने बताया ही नहीं। तो मैंने एक मामा बड़े रहते हैं उनके पास फ़ोन किया कि क्या हो गया, तो बोलते हैं उनकी बिटिया ख़त्म हो गई, ये नहीं पता कैसे ख़त्म हो गई। तो हमने ठीक है हम निकले वहाँ से, जब तक यहाँ आए तब तक मिट्टी दफन हो चुकी थी। बालिका की मृत्यु हुई थी जिसका नाम तबस्सुम उर्फ निशा डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन निवासी है नबीगंज थाना बेवर भगवान के। तो इनका सब 12 तारीख को अपना दफनाया गया था 12 मई को पिछली गई, उसके बाद इनके परिवारजन को शक हुआ मृत्यु की वजह कुछ वजह के लिए, तो मृत्यु की असली वजह जानने के लिए ये लोग चाहते हैं इनका पंचनामा हो, इसी वजह से इनकी कब्र से फिर से निकाला जा रहा है उनके सबको। और दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के सख्त तेवर देखने को मिले। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से निर्माण कार्यों में लगी कंपनी के बारे में जानकारी ली और उन्होंने लास्ट महीने का अपडेट पूछा, तो इस पर सही जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने चीफ इंजीनियर को फटकार भी लगाई। पुलिस के सारे अधिकारियों से कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के सारे नगर विकास से रिलेटेड जो चाहे टाउन एरिया हो जिसको हम नगर पंचायत कहते हैं, नगर पालिका हो जिसको क्या बोलते हैं नगर पालिका है म्यूनिसपैलिटी या नगर निगम, सारे के सारे उनको सारे पुलिस अधिकारियों को रेवेन्यू अधिकारियों को SDM से लेकर के DM कमिश्नर सारे के सारे और सारे अधिकारियों को कल उनका जो मुख्यमंत्री ने PC की थी उन सारी बातों को जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश थे उनको दोबारा एक बार फिर से इनसे रिटेट किया कि जिससे उसका ग्राउंड पे। अखिलेश यादव के बयान पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी व्यक्त करने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी विरोध दर्ज कराया है। वहीं अखिलेश यादव को राम विरोधी बताया। विहिप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि पिता ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और बेटा इस तरह के बयान दे रहा है। अखिलेश यादव तुष्टिकरण में पूर्ण रूप से अंधे हैं और वह बार बार जो है हिंदुओं की भावनाओं पर जो है घात करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 1990 में उनके पिता श्री ने अयोध्या को रक्तरंजित किया, यहाँ पर गोलियाँ चलवाईं, निरीह राम भक्तों को मारा, आज जो है अयोध्या के ही लगभग आधा दर्जन परिवार उनको प्रतिदिन कोसते हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।